हूँ, मैं हूँ प्रतिभा और हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या कमाल की भाजी है, खट्टा है, तीखा है, मीठा है, नमकीन है, इसमें हर प्रकार का टेस्ट है, लेकिन मीठा इतना ज्यादा भी नहीं है, एकदम बैलेंस है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भाजी है। ये मिक्स भाजी है और छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और इसको मैंने ट्रेडिशनल तरीके से बनाकर बताया है। तो इस भाजी में बहुत सारी चीजें मिक्स है, जैसे कि करेल, तरोई, तरोई की जगह डोरका भी डाल सकते हैं, मसूर की दाल, मखना और गुड़। गुड़ का कॉम्बिनेशन इस भाजी में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मखना भाजी में गुड़ डालते हैं, जी हाँ गुड़ डालते हैं, छोटा सा टुकड़ा, और फिर ये इतना स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। ये एक हिडन रेसिपी है जिसे आज यूट्यूब में दिखाया जाएगा। इस टेस्टी भाजी को बनाने के लिए हमें चाहिए मखना के पत्ते यानी कि कद्दू के पत्ते, और ये मुलायम होनी चाहिए। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, इसमें जो रेसे होते हैं, जो भी इम्प्योरिटी हैं वो निकल जाएं। और ये है करेल फर्मेंटेड वाला, और ये है मखना, ये मसूर की दाल भीगी हुई है, तरोई, और ये सुनसुनिया भाजी। तो इन सबको मिलाकर हम एक शानदार रेसिपी बनाएंगे। इसमें डलेगा एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। तो चलिए मैंने इन्हें साफ़ करके अच्छे से काट लिया है। कुछ इस तरीके से मखना के पत्ते को साफ़ करना है, ऐसे चीथ लेना है, उसके नसों को बाहर निकालना है। कुछ इस तरीके से सारी भाजियों को मैंने निकाल लिया है और काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, इसको काट लेना है कुछ इसी तरीके से। ये देखिए, इसे चीथना है तो ये सारा निकल जाएगा, और फिर इसको काट लेना है छोटा छोटा। अब करेल को काट कर उबाल लेंगे, क्योंकि उबालने से इसकी स्मेल निकल जाती है, और इसको थोड़ा सा तेल डालकर भून लेंगे। करेल हल्का हल्का किनारे से मुरझा जाएगा और गोल्डन कलर आ जाएगा। करेल को बड़ी सावधानी से भूनना है धीमी आंच पर, जिससे कि ये जले ना, इसके किनारे किनारे अच्छे से भून जाएं। इसमें बहुत कम तेल की ज़रूरत पड़ेगी, और इसे वापस निकाल लेंगे। और इसी कढ़ाई में मसूर की दाल को डालकर उसे थोड़ी देर के लिए उबालेंगे। थोड़ा सा मसूर की दाल, एक गिलास पानी लगेगा इसमें, और ये पक कर फूट जाए इतना उबालना है। ये देखिए चुकर के बीज पक गए हैं। मसूर की दाल पक लेने पर इसमें थोड़ी सी सब्जियां डालेंगे, पूरी नहीं डालना है। आप इसे देखते रहिए जिससे कि ये स्किप ना हो और आप इस भाजी को बनाना अच्छे से सीख लें। अब एक लेयर मखना भाजी की डालेंगे और एक लेयर सुनसुनिया भाजी की भी डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी सब्जी बहुत अच्छे से बनेगी और एक दूसरे से नहीं चिपकेगी। फिर से सब्जी डालेंगे और इस तरीके से ये प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक हमारी सब्जी और भाजी पूरी तरह से डल ना जाए। जितना क्वांटिटी हमने लिया है, सारी भाजी को एक एक लेयर करके थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी करके डालते जाएंगे। और इस भाजी में किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही परिपूर्ण है, क्योंकि लहसुन और प्याज और लाल मिर्ची इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए काफ़ी है। और ये गुड़ का टुकड़ा भी डाल देंगे, और लास्ट में सुनसुनिया भाजी जो हमारे पास बची है उसको भी डाल देंगे। और ये दो टमाटर मैंने पीस कर रखा है, पीस कर डालना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल का टमाटर बहुत कड़ा होता है, तो इसे काट कर डालने में काफ़ी टाइम लग जाता है पकने पर। और इसमें थोड़ा सा पानी भी मैंने जार में डाल कर इसमें डाल दिया है। अब इसको ढक लेंगे, थोड़ा इसमें भाप सा हो जाएगा और ये थोड़ा सा कम हो जाएगा क्वांटिटी इसका, तो इसको मिक्स करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक से मिक्स करेंगे कि ये आपस में गांठे ना बने और अलग अलग रहें। और ये भाजी सूखी सूखी ही अच्छी लगती है। छोटा सा गुड़ का टुकड़ा मेरा जो छूट गया था उसको मैंने डाल दिया है, और अब इसमें डालेंगे नमक। भाजी के मुरझा लेने के बाद ही हमें इसमें नमक डालना चाहिए, जिससे इसका सही अंदाज मिल जाता है, और इतना कठिन भी नहीं है, मुरझाने पर इसमें सही माप मिल जाता है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए चाकू की सहायता से इसको मिक्स करेंगे। चाकू की मदद लेने से भाजी अच्छे से मिक्स हो जाती है। चम्मच से करेंगे तो एक ही जगह पे बार बार आपको वही काम करना पड़ेगा। और अब बारी आती है इसको बघारने की। तो बघारने के लिए एक बड़ा प्याज मैंने लिया है, और एक लहसुन और लाल मिर्च। तो एक दूसरी कढ़ाई गर्म करेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालकर लहसुन को पहले भूनेंगे। लहसुन को पहले भून लेना इसलिए अच्छा है क्योंकि ये थोड़ा सा बाकी चीज़ों की अपेक्षा टाइम लेता है।
ये कह सकते हैं। और अब प्याज भी डाल देते हैं। तो इसको भी गोल्डन ब्राउन होते तक पका लेंगे। लाल मिर्च हमेशा लास्ट में ही डालना चाहिए, क्योंकि इससे लाल मिर्च जलता नहीं है और इसकी खुशबू सही तरीके से फैल पाती है। तो अब सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब इसमें डाल देंगे भाजी गर्मा गर्म, संभल कर डालेंगे जिससे कि हमारा हाथ ना जले, क्योंकि ये कढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करना है कुछ इस तरीके से, और मिक्स करने के तुरंत बाद इसे ढक लेना है, क्योंकि ये जो बघार की खुशबू है ये भाजी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, तो इसको ढकना बेहद ज़रूरी है। और अब हमारी भाजी तैयार है। अगर आपने इतनी मेहनत करके ये भाजी बना ली और इसे सबको खिला दी तो वे बार बार मांगेंगे, जो भाजी को घास फूस कहते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये भाजी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मखना भाजी को ठीक तरीके से साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है, जो किरकिरा सा लगता है इसमें, जो रुएँ होते हैं उसके कारण। तो इसको अच्छे से धोना है ताकि इसमें रेत मिट्टी कुछ भी हो वो निकल जाए। और इसको धोने के बाद, इसका पानी छटने के बाद ही इसको काटें, कभी भी काटने के बाद इसको ना धोएं।